सब्सक्राइब करिए मिस्टर जुगाड़ू आर्टिस्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष बनर्जी और आप देख रहे हैं मिस्टर जुगाड़ू आर्टिस्ट। और आज हम सीखेंगे बार्बर रॉड वाला डंबल बनाना। और जो बार्बर रॉड होता है वो होता है लोहे का, लेकिन ये जो रॉड है ये है ब्रूमस्टिक का रॉड, इसलिए मैंने इस डंबल को नाम दिया है ब्रूमस्टिक रॉड वाला डंबल। और ये उन वेस्ट मेटल से बना है जो वेस्ट मेटल आपके घर में इजिली अवेलेबल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये जो रॉड आप देख रहे हैं ये है ब्रूमस्टिक का रॉड, और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं दोनों साइड में वो है कार्डबोर्ड, और इसके अंदर भरा है बालू। और बालू पुट किसमें किया हुआ मैंने किया है पॉलिथीन बालू को पुट, और इससे पॉलिथीन भी इस्तेमाल हो जा रहा है क्योंकि आप जैसे जानते हैं पॉलिथीन बहुत हार्मफुल होता है अपने एनवायरमेंट के लिए। मैंने क्रिएटिव वे में पॉलिथीन को यूज किया है, और मैंने इस तरह का एक और वीडियो बनाया है, और उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो को आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह दे दूंगा। और इसको सीखने के पहले आप मुझे कर लीजिए इंस्टाग्राम पे फॉलो, और इंस्टाग्राम की लिंक मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन में। और टाइम लगाते हुए सीखते हैं कुछ नया। ब्रूमस्टिक को यूज करके रॉड वाला डंबल बनाने के लिए चाहिए आपको न्यूज़पेपर, साइंस को आपका पेज, हम लोग को व्हाइट साइड यूज करना है, आपको चाहिए गोल बर्तन, और आपको बड़े साइज का बर्तन यूज नहीं करना है, आपको कार्डबोर्ड के दो पीस चाहिए, ब्रश चाहिए, कलर चाहिए, लोहे के दरवाजे में पेंट होने वाला कलर आपको यूज करना है, और आप कोई भी अपने मनचाहे के रंग से डंबल को पेंट कर सकते हैं, और मैं डार्क ब्राउन कलर यूज कर रहा हूँ। आपको चाहिए सीजर, आपको चाहिए बालू, और मैं अभी आपके सामने इतना ही बालू रखा हूँ लेकिन आपको इससे ज्यादा बालू चाहिए। आपको चाहिए पेंसिल, दो पॉलिथीन चाहिए, आपको चाहिए पावर ग्लू, और कैसे बनाते हैं तो मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है, और आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आपको देखिए ब्रूमस्टिक चाहिए, और इस तरह के ब्रूमस्टिक आपको इस झाड़ू से मिलेंगे, और इसे बोलते हैं फूल झाड़ू। सबसे पहले आपको कार्डबोर्ड पे गोल बर्तन की मदद से सर्कल ड्रॉ करना है, और आपका गोल बर्तन ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और आपको इस तरह से लेके रखना है पेंसिल की मदद से, इस तरह साइड में ट्रेस कर लेना है, उसके बाद आपको सीजर की मदद से कट कर लेना है, आपको परफेक्ट एक कार्डबोर्ड पे गोल सर्कल मिल जाएगा। और हाँ, आपका जो कार्डबोर्ड ज्यादा मोटा होना चाहिए, ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। कार्डबोर्ड पे सर्कल ड्रॉ करने के बाद, सीजर की मदद से कट करने के बाद, देखिए हम लोग को अब दो सर्कल मिल चुके हैं। और मैं एक बात को फिर से दोहरा देता हूँ कि जो कार्डबोर्ड है आपको पतला यूज नहीं करना, आपको इस तरह का देखिए मोटा कार्डबोर्ड चाहिए, या इससे मोटा हो तो बहुत अच्छी बात है। और अब हमें क्या करना है, अब आपको पॉलिथीन में करना है बालू को पुट, और ये काम देखिए मैंने ऑलरेडी कर दिया, और सेम देखिए आपको एक और पॉलिथीन में करना है बालू को पुट, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रखना है अपने सामने वेट मशीन, और इसको देखिए आपको तौलना है कि इसका वजन कितना है। देखिए इसमें 2 kg बता रहा है क्योंकि मैं 2 kg का ही बना रहा हूँ, और दूसरे का भी देखिए वजन ले लेते हैं, देखिए इसमें भी 2 kg बता रहा है, और आपको सेम वेट चाहिए दोनों में। और आप इसमें देखिए जैसे मैंने 2 kg भरा है, आप इसमें 4 kg भर सकते हैं, और इसमें भी 4 kg भर सकते हैं, या 3 kg भर सकते हैं, इसमें भी 3 kg, लेकिन आप 8 kg मैक्सिमम रखिएगा, उससे ज्यादा आप वेट मत डालिएगा। और इसको तौलने के बाद अब हमें क्या करना है, अब देखिए आपको न्यूज़पेपर का बड़ा पीस लेना है, उसमें लगाना है आपको पूरी तरह से पावर ग्लू, और ये काम देखिए मैंने ऑलरेडी कर दिया। उसके आपको देखिए लेना है कार्डबोर्ड, आपको उसी न्यूज़पेपर के बीच में एकदम सेंटर में रखना है, और आपको देखिए अब इसको लेना है और कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरह से रख देना है। फिर रखने के बाद आपको देखिए हाथों से इसमें कार्डबोर्ड में आपको पूरा फैला देना है। देखिए कार्डबोर्ड पे पूरी तरह से देखिए इसको फैलाने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको इस तरह से ढक देना है, इस तरह की लगानी है, इस तरह पाओगी साइड में इस तरह से लगाइए इसको ढक दी,
और इसको देखिए ढकने के बाद अब आपको देखिए न्यूज़पेपर में लगाएंगे पावर ग्लू और आपको बड़ा बड़ा पीस लेना है न्यूज़पेपर का। उसके बाद आपको इस तरह से इसमें पेस्ट कर देना है और इस तरह से आपको इधर भी ढकना है और अंदर के साइड भी ढकना है। उसके बाद आपको टोटल 5 लेयर्स इसको ढकना है और देखिए अंदर कैसे ढकेंगे, इस तरह से आपको देखिए इसको उठानी है फिर लगाना है न्यूज़पेपर में पावर ग्लू। न्यूज़पेपर में पावर ग्लू लगा के आपको देखिए इस तरह से इसको रखना है और इस तरह से देखिए आपको इसको पेस्ट कर देना है और इसी तरह से आपको टोटल 5 लेयर्स इसको पूरा ढकना है। न्यूज़पेपर की 5 लेयर से पूरी तरह से देखिए ढकने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है और आपको देखिए इस तरह का शेप कैसे देना है, इस तरह से देखिए आपको हाथों से ऐसा शेप आपको बनाना है। फिर आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करके एक और बनानी है और ये काम देखिए मैंने ऑलरेडी कर दिया और अब हमें इन दोनों को रख देना है 1 हफ्ता धूप में सूखने के लिए। अब हमें चाहिए ब्रूम स्टिक और हम लोगों को ब्रूम स्टिक को इस तरह से देखिए न्यूज़पेपर में पावर ग्लू लगा के जोड़ना है और जो ब्रूम स्टिक का रॉड होगा सिर्फ वो 2 फीट या 1.5 फीट का होना चाहिए, उससे ज्यादा आपको बड़ा नहीं बनाना है। और आपको देखिए इसको जोड़ना कैसे है, आपको लगाना है न्यूज़पेपर में पावर ग्लू और इस तरह से देखिए आपको उसको बनानी है। उसके बाद आपको देखिए ब्रूम स्टिक इस तरह से रखना है और इसमें ऐसे करके लपेट देना है और यहां से देखिए जो ब्रूम स्टिक जा रहा है उसके ऊपर आपको एक और ब्रूम स्टिक इस तरह से रखनी है। फिर आपको सेम ऐसे जैसे हम लोग ने जोड़ा था न्यूज़पेपर में लगानी है पावर ग्लू, फिर इस तरह से देखिए आपको बनाना है और इस तरह से देखिए आपको लपेट देनी है। सिर्फ आपको 2 फीट या 1.5 फीट का ब्रूम स्टिक का रॉड बनाना है इस प्रोसीजर को अप्लाई करके और ऐसी आपको ब्रूम स्टिक और आपको थोड़ी लगानी है इस तरह से और आपको इसको थोड़ा मोटा करना है न्यूज़पेपर में पावर ग्लू लगा के लपेट के। देखिए दोस्तों आपको ब्रूम स्टिक को इस तरह से जोड़ना है और जब आपको ब्रूम स्टिक को न्यूज़पेपर से मोटा करना है तब आपको इतना बड़ा बनाना है और आपको मैं अभी सिखाऊंगा इसको कैसे बनाना है और आपको इतना बड़ा बना के न्यूज़पेपर का आप इस तरह से इसको रोल कर देना है तो आपका काम इजीली हो जाएगा इस तरह से। और रोल करने के बाद उसको थोड़ा प्रेस करना है और चलिए सीखते इसको बनाते कैसे। आपको देखिए सबसे पहले लेनी है बड़ी न्यूज़पेपर और उसमें लगाना है आपको पावर ग्लू और अच्छे से आपको पूरी तरह से पावर ग्लू से इसको ढक देना है और उसके बाद आपको इस तरह से देखिए रखना है या आपको इस तरह से देखिए बनाना है और देखिए आपको इस साइड में देखिए पावर ग्लू लगा देना है। फिर लगाने के बाद आपको सिंपली देखिए ब्रूम स्टिक में इसको लपेट देनी है, आप यही प्रोसीजर अप्लाई करके आपको पूरा ब्रूम स्टिक को मोटा करना है। देखिए दोस्तों ब्रूम स्टिक को इतना मोटा करने के बाद ये कुछ इस तरह दिख रहा है और आपने देखिए इस तरह की लेयर बना के इसको इतना मोटा किया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर की इस तरह की लेयर लेनी है, उसमें आपको लगाना है पावर ग्लू और आपको पूरा ढक देना है और ये काम आपको 2 टाइम करना है और ये काम मैंने ऑलरेडी कर दिया। उसका आपको करना है हाथों से देखिए आपको शेप देनी है और ये भी काम मैंने ऑलरेडी कर दिया है और परफेक्टली देखिए ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फ्यूचर में सही हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको जितनी भी ब्रूम स्टिक आपको अप्लाई करनी है इसको बनाने के लिए आप कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। और अब हम लोग उसको रख देना है 2 हफ्ता धूप में सूखने के लिए। देखिए ये तीनों सूख चुके हैं और जैसे आपको मैंने बोला था कि इसको रखना है 2 हफ्ता धूप में सूखने के लिए और इसको रखना है 1 हफ्ता धूप में सूखने के लिए। ये 1 हफ्ते में काफी देखिए मजबूत हो गया है, धूप अच्छा था इसलिए मैं इसको ला दिया 1 हफ्ते में। और अब आपको क्या करना है,
अब आपको देखिए इसको पलटना है, फिर पलटने के बाद और जो मैं आपको बता रहा हूँ आप अपने साथ एक और इंसान को रखिएगा इसको होल्ड करने के लिए, क्योंकि आपको इसको एकदम सेंटर में रखना है और इसी से आप पकड़ाइएगा इस ब्रूम स्टिक के रॉड को और उसके बाद आपको उसको पेस्ट करना है। देखिए आपको लगाना है न्यूज़पेपर में पावर ग्लू और लगाने के बाद आपको देखिए इस तरह से बनाना है, फिर इस साइड में भी देखिए पावर ग्लू लगाना है, फिर लगाने के बाद आपको इसको इस तरह से देखिए लपेट देना है कुछ इस तरह से। और इसको आप रॉड को स्टेबली पकड़ना है, हिले ना ज्यादा, तो मेरा इधर किसी आपको देखिए इसी तरह से बना के आपको इस तरह से लपेट के इसको पेस्ट करना है इस रॉड को, और जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम आपको उसी तरह से करना है, और ये तब तक आपको करना है जब तक ये मजबूती से इससे चिपक ना जाए। आपको देखिए बड़े बड़े न्यूज़पेपर की मोटी लेयर लगानी है। और उसके बाद देखिए आपको इस तरह से हाथों से नीचे की तरफ आपको प्रेस भी करना है। न्यूज़पेपर का इस तरह से बना के और उसमें पेस्ट करके इतना मोटा करने के बाद ये कुछ इस तरह दिख रहा है, और आपको देखिए इस तरह से पेस्ट करके इसको नीचे की तरफ आपको ढकेलना है, और उसके बाद आपको क्या करना है न्यूज़पेपर में लगाना है पावर ग्लू, और देखिए बड़ा पीस आपको लेना है, पावर ग्लू लगाइए, फिर लगाने के बाद आपने इस तरह से देखिए पेस्ट किया, उसके बाद आपको सिंगल लेयर से जहां जहां आपने इस तरह से बना के पेस्ट किया वहां वहां पे आपको सिंगल लेयर से पेस्ट करनी है कुछ इस तरह से, और इस तरह से पेस्ट करके देखिए कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब आपको इसको एक या दो दिन रखना है धूप में सूखने के लिए, धूप बहुत अच्छी रही तो आपको सिर्फ एक दिन रखना है धूप में सूखने के लिए, धूप थोड़ी अच्छी नहीं रही तो आपको दो दिन रखना है धूप में सूखने के लिए, और अच्छे से ना जुड़ा हो तब भी आप दो दिन रखिएगा उसको धूप में सूखने के लिए, जब उसको सूख जाएगा उसके बाद आपको उसको पलटना है और ये सेकंड वाले को भी आपको पेस्ट करना है ऊपर वाले से, वो तभी आपको करना है जब ये अच्छे से सूख जाएगा। और हाँ दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपने ब्रूम स्टिक का रॉड इससे अटैच किया है वो एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, जब ये सूखने के टाइम पे टेढ़ा रहा और ये सूख गया तो फिर टेढ़ा ही रह जाएगा, इसीलिए आप किसी चीज से अटैच करके कैसे भी आप इसको एकदम स्ट्रेट रखने की कोशिश करिएगा सूखने के टाइम, और आप चलिए इसको रखते हैं एक या दो दिन धूप में सूखने के लिए। देखिए दोस्तों ये पूरी तरह से सूख चुका है, सूखने के बाद ये वाला हिस्सा ब्रूम स्टिक के रॉड से जुड़ चुका है, और जैसे हम लोग ने इसको जोड़ा था सेम प्रोसेस अप्लाई करके आपको इसको भी जोड़ना है, और आपको सबसे पहले इसको इस तरह से देखिए इसके सेंटर में रखना है, सेंटर में रखने के बाद कोई और इंसान चाहिए आपको जिसको पकड़ा रहे, और जैसे हम लोग ने इसको जोड़ा था ऐसे आपको इसको जोड़ना है, चलिए इसको जोड़ते हैं। देखिए दोस्तों इस पार्ट को ब्रूम स्टिक के रॉड से अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, और अब आपको इसको रखना है एक दिन धूप में सूखने के लिए, और सूखने के बाद आपको इसको पूरी तरह से साइज को पेपर से ढकना है, और ढकने के बाद आपको फिर दो दिन रखना है धूप में सूखने के लिए, दो दिन धूप में जब सूख जाएगा उसके बाद आपको कर देना है इसमें कलर, और आपको लोहे के दरवाजे में पेंट होने वाला कलर यूज करना है, मनचाहे कोई भी कलर कर सकते हैं, और आपको इसको रखेंगे अभी सूखने के लिए तो आप ऐसे चीज से सहारा देकर रखिएगा कि एकदम ये स्ट्रेट रहे, और चलिए अब इसको रख देते हैं एक दिन धूप में सूखने के लिए।
देखिए दोस्तों, आपको इसी तरह से किसी चीज से सहारे देकर आपको रखना है इसको धूप में सूखने के लिए। और देखिए मैंने टेबल से सहारे देकर इसको रखा है धूप में सूखने के लिए, और ये देखिए सूख चुका है। और सूखने के बाद नीचे वाला हिस्सा देखिए ब्रूम स्टिक के रॉड से जुड़ भी चुका है, और अब हमें इसको पूरी तरह से साइंसकोप के पेज से ढकना है। देखिए दोस्तों, पूरी तरह साइंसकोप के पेज से ढकने के बाद ये कुछ इस तरह दिख रहा है। साइंसकोप के पेज से ढकने के बाद मैंने रख दिया देखो सूखने के लिए, और ये सूख भी चुका है। और अब करना है इसमें कलर। और अभी देखिए मेरे पास इस टाइम पे सिल्वर कलर अवेलेबल है, इसलिए मैं सिल्वर कलर हैंडल में कर रहा हूँ, मीन ब्रूम स्टिक के रॉड में कर रहा हूँ, और इधर मैं डार्क ब्राउन कलर कर रहा हूँ। चलिए करते हैं कलर। आपको कलर करने के लिए बड़े ब्रश का यूज करना है। पूरी तरह से कलर करने के बाद मैंने रख दिया इसको सूखने के लिए, और देखिए अब सूख भी चुका है। और सूखने के बाद इसका देखिए कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। और अब आप देख लीजिए इसका कैसा परफॉर्मेंस है, मैं आपको इसको यूज करके दिखाता हूँ। जैसे आपने देखा मैंने आपको इसको यूज करके दिखा दिया, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जैसा रियल वाला डंबल होता है उसी तरह से ये भी परफॉर्म कर रहा है। बस फर्क इतना है जिसका ब्रूमस्टिक का जो रॉड है वही बस थोड़ा मोटा है, और जो असली वाला होता है उसका पतला होता है ये रॉड, बस यही फर्क है। और अब देख लीजिए ये जो प्लेट है ये मजबूत है कि नहीं। और जैसे आपने देखा कि मैंने आपको ये भी टेस्ट करके दिखा दिया कि ये प्लेट ब्रूमस्टिक के रॉड से जुड़ा है कि नहीं, और देखिए मजबूती से ये प्लेट ब्रूमस्टिक के रॉड से जुड़ा है। और अब देख लीजिए ये वाटरप्रूफ है कि नहीं। देखिए दोस्तों ये रहा डंबल, और ये देखिए रहा पानी का टब्स। और देखिए अब मैं इस डंबल को इसमें पुट कर दूंगा, ये हिस्सा देखिए पुट करूंगा पानी में, और देखिए मैंने पुट कर दिया। और जैसा आप देख सकते हैं देखिए कुछ नहीं हुआ, एकदम सही है। और अब मैं ये वाला हिस्सा पुट करूंगा, ये वाला हिस्सा, और देखिए इस हिस्से को पुट कर दिया, और देखिए इधर भी कुछ नहीं हुआ। और एक और टाइम मैं दोनों हिस्से को पानी में पुट करूंगा, सबसे पहले ये वाले हिस्से को पुट करूंगा, देखिए अभी भी देखिए मजबूती से जुड़ा हुआ है। मैं अब ये वाले प्लेट को पानी में करूंगा पुट, देखिए इसको भी पुट किया, और देखिए अभी भी ये मजबूती से जुड़ा हुआ है। और ये वाटरप्रूफ टेस्ट में पास हो गया। और जैसे दोस्तों आपको मैंने ये भी दिखा दिया कि वाटरप्रूफ है कि नहीं, ये वाटरप्रूफ है, और देखिए कलर इसका निकला नहीं। और वाटरप्रूफ होने का रीजन ये है कि हम लोग ने लोहे के दरवाजे में पेंट होने वाला कलर यूज किया, इसीलिए वाटरप्रूफ बन गया है। और आपको मैंने ये भी दिखा दिया इसका कैसा परफॉर्मेंस है, मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि ये ब्रूमस्टिक का रॉड
प्लेट से जुड़ा है कि नहीं अच्छे से, और ये जुड़ा है आपको ये भी दिखा दिया मैंने कि वाटरप्रूफ है कि नहीं, और मैंने आपको तीनों चीज दिखा दिया। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।